आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। साइबर सेल के नए भवन का एसपी ने किया उद्घाटन, पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद। जिले में साइबर अपराधों के बढ़ रहे दायरे के मद्देनजर पुलिस सहायता केंद्र रामपुर में अलग साइबर सेल का गठन किया गया है। पहले इसका संचालन एसपी कार्यालय में होता था, लेकिन मामलों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए अलग से साइबर सेल की जरूरत महसूस हुई, जिसे पूरा करने को अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और रामपुर चौकी में अलग से भवन में इसकी स्थापना की गई। एसपी अभिषेक मीणा द्वारा साइबर सेल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पुलिस के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही साइबर सेल द्वारा सिक्योरी किए हुए मोबाइलों का भी उनके मालिकों के बीच वितरण किया गया। साइबर में अभी एएसआई रैंक के हैं, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे साइबर का प्रभारी सब इंस्पेक्टर को बनाया जाएगा और स्टाफ में भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सर, साइबर जो क्राइम हो रहा है, बैंकों के अधिकांश हो रहा है बैंकिंग लेन देन में, तो इसमें बैंकों को कैसे आप जोड़ रहे हैं, उनको कैसे वो कर रहे हैं? अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा ना, बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने जागरूकता अभियान यहाँ चलाए हैं कोरबा में। ऑलमोस्ट बैंक की सभी एटीएम शाखाओं को चिन्हित कर उनके बाहर में पोस्टर्स लगाए गए हैं। यूजुअली जो भी आदमी एटीएम का यूज़ करता है, हम ये देख रहे हैं कि वो एटीएम लेके कहाँ कहाँ जाता होगा। वहाँ वहाँ हमने उस तरह की सामग्री प्रचार की लगाई है ताकि एटलीस्ट वो 5 मिनट भी वहाँ खड़ा हो तो ये देख सके किस तरह फ्रॉड होता है और उसके दिमाग में कम से कम ये बात रहे कि इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो कभी भी उसके साथ कभी इस तरह का अटेम्प्ट होता है तो उसके बारे में जागरूक रहे। दिक्कत ये है उसके अंदर जागरूकता नहीं है अभी। वो जो एटीएम से मैसेज जब भी आते हैं या बैंक से जब भी मैसेज आते हैं, आदमी उसको खोलने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे एक सीधा वो खड़ा हुआ है, कोई और काम नहीं कर रहा है, तो इतना थोड़ा क्यूरियोसिटी आदमी की होती है, वो पढ़ ले 5 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े होके। तो सारे बैंक के हैं, जहाँ पे मेन शॉपिंग प्लेसेस हैं और भी जगह हैं, वहाँ पे मंदिर हो गए जैसे, वहाँ पे इस तरह के ये लगा रहे हैं ताकि जो भी आदमी एटीएम यूज़ करता हो उसमें जागरूक बने। सेकंड, हम जो यहाँ पे हमारे 4 बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, सीएसईबी, बालको, एनटीपीसी और एससीसीएल, इन चारों एस्टेब्लिशमेंट में बैंकों में जिनके खाते हैं उनके खातों में नंबर हम अपडेट कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के नंबर ऐसे हैं जो एटीएम से लिंक नंबर हैं वो बहुत पुराने हैं, तो एटीएम से कभी पैसा निकलता है तो उन नंबरों पर मैसेज जाता है, उनके जो अभी अपडेटेड नंबर है उनके पास नहीं जाता है। तो ये नंबर अपडेशन का काम है हम बैंकों से करा रहे हैं ताकि कोई भी एटीएम से ठगी करके पैसा निकालता है तुरंत उस आदमी को पता लगे तो वो पुलिस में या साइबर को जानकारी दे ताकि फटाफट उसका वो एटीएम बंद किया जा सके या फिर उसका पैसा रिटर्न किया जा सके। ये प्रचार प्रसार भी चलता रहेगा, हम इसका असर देख रहे हैं, हमारे यहाँ साइबर के मामलों में कमी आ रही है काफ़ी कुछ, उसका धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर हम इसमें काफ़ी और सफलता पाएंगे। थैंक यू।